गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ज्योमेट्री 2D के मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो देख लीजिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है। देखिए, कहने का मतलब है एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। अब जब तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है तो इसकी त्रिज्या हो जाता है 42 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया गया है। कितना रेडियस दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। तो अब कहना है कि इस तार को खोल के एक वर्ग के रूप में मोड़ना है, यानी इस जिस तार से ये बनाया गया है इस तार को फिर से खोलना है और उससे एक वर्ग बनाना है और वर्ग की भुजा आपको बतानी है। तो समझिएगा, अगर ये वायर को सर्कल के फॉर्म में फोल्ड किया गया, तो अगर आप वायर को कट करेंगे यहां से तो ये तो स्ट्रेट फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो अब देखिए, इस वायर को हमने क्या किया, यहां से कट कर दिया, यानी ये सीधा हो गया। अच्छा, अब सीधा हो गया तो ये जो वायर था इसकी परिधि पर ही, यानी जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का उसी पर ही तो था, यानी उसी से ही तो घिरा हुआ था, यानी इसके सर्कमफ्रेंस, यानी इस तार को मोड़ने से जो सर्कमफ्रेंस बना उसी से आपका क्या बना था, सर्कल बना था। यानी कि इस तार की जो लेंथ होगी, जो लेंथ होगी इसकी, वो हो जाएगी 2πr। कैसे? क्योंकि ये जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वही तो इस जो वायर है उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कैलकुलेट करने से पहले हम इससे एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो स्क्वायर कुछ इस प्रकार से इसी वायर से बनेगा, तो ए बी सी और डी। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो साइड है वो कितना है, ए है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है। 2πr से अगर हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को तो क्या आएगा, इस तार का यानी इस वायर का लेंथ आ जाएगा। तो देखिए, लेंथ कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कहें तो आर 42 सेंटीमीटर है, इससे कैंसिल होगा 6 टाइम्स में, ठीक है ना। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे 22 × 2 कितना होगा, 44 × 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस तार यानी इस वायर की लेंथ हो जाएगी। जब इस वायर से आपने क्या बनाया है तो कहेंगे वर्ग बनाया है, तो वर्ग का क्या पूछा गया, भुजा पूछा गया है। तो वर्ग, जब इसको वर्ग के रूप में बनाया गया तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर इसकी भुजाएं हैं, साइड है, इस तार की लंबाई से ही तो बने हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इस तार की लंबाई अब किसमें चेंज हो गया, तो कहेंगे पैरीमीटर में चेंज हो गया। पहले किसमें चेंज हुआ था, सर्कल में चेंज हुआ था। तो पैरीमीटर इसका कितना होता है, कहेंगे 4a होता है। अब पैरीमीटर की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 44 × 6, यानी 44 × 6 = 4। क्यों होगा वो समझ में आया ना, क्योंकि इस तार से ही तो इसका पैरीमीटर बनेगा। इसको इस तार से ही इसको चारों तरफ से अब क्या करेंगे, घेर देंगे। तो अब इसका पैरीमीटर 4 है, यानी पैरीमीटर की वैल्यू कितना है, 44 × 6। इसे कैलकुलेट करते हैं, 4 से कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा 11। अब क्या होगा, 11 × 6 = a, यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर। यानी जो स्क्वायर बनाया गया, यानी वर्ग बनाया गया, उसका जो भुजा है वो 66 सेंटीमीटर का है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, अब कहने का मतलब है एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, तो कहेंगे 21 सेंटीमीटर, यानी भुजा है 21 सेंटीमीटर, ए बी सी और डी आपका वर्ग है। इसके अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इस वर्ग के अंदर बड़ा सा बड़ा वृत्त आपका कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से बिल्कुल गोल आकृति का होगा। यहां फिगर में थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, बट क्या होगा, बिल्कुल गोल आकृति का होगा। अब यहां पर इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान समझिएगा, ये सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। तो अब यहां से अगर इस सर्कल की रेडियस की बात करें, तो अगर इसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है तो इसकी चारों भुजाएं 21 सेंटीमीटर होंगी, समझ में आ गया ना। तो ये जो 21 सेंटीमीटर है इस वृत्त का क्या है, तो कहेंगे डायमीटर, यानी व्यास है। व्यास की वैल्यू कितना है, 21 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गया।
क्योंकि देखिए यही तो लेंथ होगा, ये लेंथ किसके बराबर है, इसी ए बी के बराबर है, या इस लेंथ को लेंगे तो ये बराबर किसके, बी सी के बराबर है, तो हो गया 21। अब रेडियस निकाले तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 बटे 2 सेंटीमीटर। आपसे बोला क्या गया, तो बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताएं, तो बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल होगा। तो पाई की वैल्यू कितना होगा 22 बटे 7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21 बटे 2 है, तो 21 बटे 2 गुणे 21 बटे 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 3 बार में कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा कितने बार, 11 बार में। अब देखिए 11 गुणे 3 गुणे 21 बटे 2, अब इसे कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है ना, गुणा करने के बाद भाग कर देंगे 2 से, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ तार का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि वही तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो घिरने वाला क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा एक तार है जो कि वर्ग के रूप में मोड़ा गया है कुछ इस प्रकार से, यह वर्ग है ए बी सी और डी, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना। अच्छा जब इसका क्षेत्रफल है तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा ए होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 484 है। तो यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में 484, 484 किसका स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 22 का, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब समझिएगा भुजा तो पता हो गया कि जिस वायर से वर्ग बनाया गया है उस वर्ग का जो भुजा है यानी साइड है वो 22 सेंटीमीटर है ठीक है ना। तो अब अगर देखें जो वायर है इसकी लेंथ क्या होगी, मान लेते हैं ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या होगी, तो ये वायर जो है इसके परिमाप के रूप में ही तो मोड़ा गया है, क्योंकि इस वायर से ये बनाया गया यानी कुछ इस प्रकार से इस वायर को मोड़ गया है, यानी ये जो मोड़ा गया है वायर है ये क्या है, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप है। तो परिमाप निकाल लेते हैं, तो परिमाप आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 4a होता है, तो 4 × 22 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 88 सेंटीमीटर। ये 88 सेंटीमीटर क्या होगा, इस वायर की लेंथ हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। अब इस वायर को, इस 88 सेंटीमीटर के वायर को एक सर्कल के रूप में, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, यानी जब ये वायर वृत्त के रूप में मोड़ा तो वायर अब क्या हो गया, परिधि हो गया, इस वृत्त का परिधि यानी सर्कमफ्रेंस हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे जो कि 2πr है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 88 के बराबर है। इससे क्या होगा, इस सर्कल का हमें रेडियस पता चल जाएगा कि सर्कल का रेडियस क्या है, जब रेडियस पता होगा तभी तो आप क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 × 22 × r, तो सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू 88। देखिए 22 × 2 = 44 होता है, 44 से 8 कट जाएगा कितनी बार में, सॉरी 88 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का उड़ा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, यानी ये जो सर्कल है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं इस जो आपका वृत्त है, इस वृत्त का क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 14 और 14, यानी आर की वैल्यू 14 है ना, 14 का स्क्वायर करिए या 14 × 14 कर दीजिए, यानी 14 × 14 ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, कितना हो जाएगा 22 × 2 = 44 × 14 कितना आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह एक क्षेत्रफल घेरता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैंने बताया था वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज है, देख लेते हैं इसे ए बी सी और डी, इसका क्षेत्रफल है, एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ना। तो भुजा निकाल लेते हैं, तो भुजा क्या होगा, तो कहेंगे एरिया जो था ए स्क्वायर की वैल्यू 121 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा कितना हो जाएगा, कहेंगे 11 सेंटीमीटर ठीक है ना। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर होगा कितना 4 × 11 यानी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी जो वायर होगा वो कितना होगा 44 सेंटीमीटर का होगा ठीक है ना। अब इसको क्या किया गया, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया,
जब वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया तो इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालिए पहले, ठीक है ना, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जब ये तार मुड़ा है तो सर्कमफ्रेंस भी चेंज हो गया, यानी 2 पाई आर की वैल्यू 44 है, तो 2 इंटू 22 बाई 7 आर इक्वल टू 44, ये देखिए 44 है ना, 22 गुणे 2 44 होता है, 44 से कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा ना, तो कहेंगे 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये रेडियस जो है वो तो 7 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की बात करें जो कि 7 सेंटीमीटर है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22/7, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 2 कितना हुआ 14 कैरी आया, 7 × 2 14 और 1 15, यानी आप कहेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की परिधि का 3/4 भाग है, इस आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या का 2/3 भाग है, वृत्त की परिधि 264 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है, समझिएगा एक आयत है, आप एक आयत बना लीजिए इस प्रकार से, आयत ए बी सी और डी, ये इसका लेंथ है और ये इसका क्या है ब्रेथ है, और इसी बगल में एक सर्कल बना लीजिए, आप सर्कल की बात किया है तो सर्कल बना लीजिए और सर्कल का ये रेडियस हो गया आर, ठीक है ना। अब समझिएगा बोला गया है वृत्त की परिधि 264, यानी इसका जो परिधि है सर्कमफ्रेंस है वो कितना है 264 है, इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस को आप निकालिए यहाँ से, सर्कमफ्रेंस 2πr बराबर 264 होता है, यही होता है ना, यानी 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर बराबर 264, ठीक है। अगर हम 264 को 11 से कैंसिल करें तो 11 से 3 ये तो दो बार में कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, 24 बार में, और देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो रेडियस की बात करें तो रेडियस 6 × 7 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया। अब चलते हैं जो रिलेशन दिया है उस पे, बोला गया एक आयत की लंबाई, अच्छा इस आयत की जो लंबाई है उसके बारे में क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की परिधि का 3/4 है, तो यानी कि वृत्त की परिधि कितना है, तो कहेंगे 264 × 3/4, इसका क्या है 3/4 है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 4 से काटेंगे 6 बार में और ये 6/6 बार में, ठीक है ना, L की वैल्यू कितना हो जाएगा 36 18 की, हाँ 8 कैरी हुआ 1, 6 × 3 = 18 और 1 = 19, यानी 198 यूनिट की बात करें तो कहेंगे सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात कर लेते हैं, आगे बोला गया इस आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या का 2/3 भाग है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वृत्त की त्रिज्या का 2/3 भाग है, 3 से काटिए एक बार में, 3 × 1 = 3 = 12, 3 × 4 = 12, 14 × 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया, पूछा गया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल किसका आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना 198, चौड़ाई कितना 28, यानी कहेंगे 198 × 28, जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो कहेंगे 5544, यानी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या इस आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आर्क की लंबाई 121 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र में 77 अंश का कोण बनाती है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, समझिएगा एक आर्क है एक वृत्त के अंतर्गत ये इस प्रकार से 77 डिग्री का कोण बना रही है और इस आर्क की जो लंबाई है अगर इस लंबाई की बात करें तो 121 सेंटीमीटर यानी यहां से यहां तक की लंबाई टोटल आर्क की, तो ये जो आर्क है ये इसकी परिधि में ही तो है, यानी जब हम परिधि पढ़ते थे सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr पढ़ते थे, ठीक है ना। अब ये किसी कोण पे बना है तो कोण के लिए जो परिधि होगा वो θ/360 × 2πr हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी के लिए θ/360 × 2πr हो जाएगा। जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तुरंत जाए, अब क्या करेंगे सर्कल का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको अच्छे से देखें, वहां पे कॉन्सेप्ट इसका समझाया गया है, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पे इतना जान लीजिए कि सी जो होगा θ/360 × 2πr और ये कैसे आया है वो वृत्त में बताया गया है। तो अब देखिएगा, अब सर्कमफ्रेंस यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 121 है, तो कहेंगे 121 बराबर थीटा की वैल्यू कितना है 77 अपान ये कितना है 360 और ये कितना है 2
पाई आर, 2 पाई की वैल्यू कितना होगा, कहेंगे 22 बट्टे 7 और रेडियस आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम यहां से 7 से काटे तो कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में, 11 से ये कट जाएगा 121 11 बार में और 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में, और अगर हम 2 × 2 करें तो 4 हो जाएगा, 4 360 को कितनी बार में कटेगा 90 बार में, यानी 1 बराबर r बट्टे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा तो कहेंगे 90। अगर यूनिट की बात करें तो ये सेंटीमीटर में था तो इसका रेडियस भी क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो अब हमने जो आज क्वेश्चन देखा ये क्वेश्चन था ज्योमेट्री 2D के मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए धन्यवाद।